Hello children, in today's class we will discuss about two more congruency rules. The first one is FSS congruence rule and the second one is RHS congruence rule. In last class we have already discussed about isosceles triangle its properties and question based on that properties. Last class में हमने isosceles triangle क्या होता है वो देखा था, उस पर बेस्ड दो थ्योरम देखे थे और उनके बेस्ड क्वेश्चन को भी हमने क्या किया था, सॉल्व किया था. अब जो आपका लास्ट टॉपिक है उसमें दो कॉन्ग्रुएंसी आपकी और बची हुई है तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे. उसमें पहला क्या है आपका FSS congruence rule और दूसरा क्या है RHS congruence rule. Now let us come to the FSS congruence rule. What is the meaning of FSS congruence rule? देखिए FSS means side congruence rule. अब side congruence rule क्या कहता है? अगर आपके पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, पहले ट्राइंगल का तीन साइड दूसरे ट्राइंगल के तीन साइड से इक्वल हो जाता है. भाई ट्राइंगल है तो उसके तीन साइड होंगे. हाउ मेनी साइड का ट्राइंगल है? अ ट्राइंगल हैव थ्री साइड. तो व्हेन थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल मीन्स फर्स्ट वाले ट्राइंगल का अगर तीनों साइड आर इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड से इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं. अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ड्रॉ किया है. अब ये नहीं कहिएगा आपकी पहले ट्राइंगल के तीनों साइड आपस में ही इक्वल हो गए हैं तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा. मैं उसकी बात नहीं कह रही हूँ. मैंने ये कहा कि आपके पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, पहले ट्राइंगल का तीन अलग अलग साइड हैं, तीनों की लेंथ क्या है? डिफरेंट है. दूसरे ट्राइंगल में भी तीनों साइड की लेंथ क्या है? डिफरेंट है. लेकिन इसके जो तीन साइड है उनकी जो लेंथ है वो दूसरे ट्राइंगल के तीन साइड के लेंथ से क्या कर रही है? मैच कर रही है. तब दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है, एक ट्राइंगल आपका कौन सा है? एबीसी. दूसरा ट्राइंगल आपका कौन सा है? PQ1. अब देखिए एबीसी में तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट है या नहीं है? है, ठीक. PQR में भी तीनों साइड की लेंथ आपस में क्या है? डिफरेंट है. बट वॉट इज द कॉमन इन दीज टू ट्राइंगल? देन यू विल से दैट ट्राइंगल एबीसी में एबी की लेंथ कितनी है बताइए? तो आप कहोगे 3.5 सेंटीमीटर. और ये जो 3.5 सेंटीमीटर है दूसरे ट्राइंगल, ये आपका कौन सा ट्राइंगल है? फर्स्ट वाला ट्राइंगल. ये आपका कौन सा है? सेकंड वाला ट्राइंगल. ठीक, इसके किसी साइड के इक्वल है तो आप कहोगे यस, पी क्यू इज ऑल्सो 3.5 सेंटीमीटर. मतलब ए बी जो लेंथ है और पी क्यू की जो लेंथ है आपस में क्या है? इक्वल है. ठीक है, नाउ बीसी की लेंथ इसमें कितनी है? 4 सेंटीमीटर. क्या दूसरे ट्राइंगल में भी कोई है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है? तो आप कहोगे यस. क्यू आर की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर. क्यू आर की भी लेंथ आपकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर. ठीक, नाउ द लास्ट साइड इज ए सी और सी ए, इसकी लेंथ कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर. और यहाँ पे भी आरपी की लेंथ कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर. मीन्स सी ए की लेंथ आरपी की लेंथ से क्या कर रही है? मैच कर रही है. तो मैंने आपसे यही कहा था कि किसी एक ट्राइंगल के तीनों साइड की लेंथ किसी दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड से क्या हो जाए? इक्वल हो जाए. तो दोनों ही ट्राइंगल आपस में क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी की मीनिंग बताई थी ना, टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड साइज, दो फिगर जिनके सेम शेप और साइज हो तो वो दोनों क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. क्यों? क्योंकि जब आप दोनों ही पिक्चर को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो आप वो ओवरलैप कर जाएंगे, आप उन दोनों पिक्चर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो इसी तरह से जब हम इस ट्राइंगल को एबीसी को ट्राइंगल पी क्यू आर पे रखेंगे, कैसे रखेंगे? 3.5 सेंटीमीटर वाली साइड को 3.5 सेंटीमीटर के ऊपर रखेंगे, 4 सेंटीमीटर वाली साइड को 4 सेंटीमीटर के ऊपर रखेंगे, 4.5 सेंटीमीटर वाली साइड को 4.5 सेंटीमीटर के ऊपर रखेंगे. तो आप क्या देखोगे? एबीसी ने पी क्यू आर को पूरी तरह से क्या कर लिया है? ओवरलैप कर लिया है. तो इसके तीनों साइड आपस में क्या है? इक्वल है. इसलिए ट्राइंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट. ठीक, क्यों? क्योंकि जो इसका ए बी साइड है इसके पी क्यू साइड के इक्वल है. देखिए इसका बी सी साइड इसके क्यू आर साइड के इक्वल है. ये देखिए इसका ए सी साइड इसके पी आर साइड के इक्वल है. दिया है ना? तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. ये था आपका एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल. ठीक है, सेकेंड आपका क्या है? सॉरी, सेकेंड आपका क्या है? आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल है. आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल में हम ये कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करते हैं. आई होप आपको राइट एंगल ट्राइंगल याद होगा. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है. तो उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है? आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ये कहती है कि अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है,
ठीक है, तो पहले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा, और पहले ट्राइंगल का कोई भी एक साइड दूसरे ट्राइंगल का किसी भी एक साइड इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाते हैं, आरएचएस कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जैसे देखिए PQR एक ट्राइंगल है, एबीसी दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, PR इसका हाइपोटेन्यूज है, मैंने देखिए ये सिंगल लाइन ड्रॉ की है, और एसी इसका हाइपोटेन्यूज है। लेट अस अज्यूम कि PR की जो लेंथ है वही क्या है, AC की भी लेंथ है, मतलब दोनों के हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है, सेम है, ठीक। पहले तो हाइपोटेन्यूज सेम होगा, हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई भी एक साइड भी की लेंथ भी आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो PQ की लेंथ किसके इक्वल है, AB की इक्वल है। PQ की लेंथ किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। तो इस केस में ट्राइंगल PQR किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यही आपका क्या होता है, RHS कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। मीन्स इन टू राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनस इन वन साइड, सी द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड, द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी RHS कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो हम दोनों ट्राइंगल को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट से, बाय विच रूल, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अच्छा, ये नहीं है कि इसमें PQ साइड है तो इसमें भी यही वाली साइड होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा भी केस हो सकता है कि इसमें PQ साइड हो और इसमें कौन सी वाली साइड हो, BC वाली हो, ठीक है। तो ये पिक्चर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उसने किस साइड को इक्वल दिया है, लेकिन RHS कॉन्ग्रुएंस रूल तभी अप्लाई होगा जब दो ट्राइंगल के हाइपोटेनस आपस में इक्वल होंगे और कोई भी एक साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो कौन सा रूल हम अप्लाई कर देंगे, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक। सो आई होप आपको ये दोनों कॉन्ग्रुएंस रूल समझ में आ गए होंगे। चलिए इन दोनों कॉन्ग्रुएंस रूल पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने RHS और SSS कॉन्ग्रुएंस रूल डिस्कस कर लिया है, तो चलिए इससे बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलिक ट्राइंगल। देखिए फिगर बना हुआ है, पहला ट्राइंगल कौन सा है, ABC, और दूसरा कौन सा है, DBC। दोनों कैसे ट्राइंगल है, आइसोसेलिक ट्राइंगल विद द सेम बेस BC। दोनों ही ट्राइंगल का सेम बेस क्या है, BC है। मीन्स ABC ट्राइंगल, DBC ट्राइंगल दोनों आइसोसेलिस हैं, दोनों का यही कॉमन बेस है, कौन सा, BC। एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। वर्टिसेस A और D क्या है, BC के सेम साइड पे है। देखिए BC के सेम साइड पे वर्टेक्स AB और वर्टेक्स DB है, ठीक है। आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बुक से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। Now, if AD is extended to intersect BC at P, अब हम क्या करते हैं, AD को बढ़ाते हैं और ये P पे क्या करता है, BC को B पे, P पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, then show that, तब हमें ये सारी चीजें क्या करनी है, शो करनी है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके बुक में ये क्वेश्चन गिवन है, आप बुक लेके बैठिए और मैं दिखाती हूँ इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमको क्या शो करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शो करना है ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। So, first part, let us consider, कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, दोनों ही ट्राइंगल को हमने कंसिडर कर लिया, ठीक। तो ट्राइंगल ABD कौन सा है, दिस इज ABD एंड दिस इज ACD, ठीक। मीन्स फर्स्ट ट्राइंगल आपका ये वाला हो गया, सेकंड ट्राइंगल आपका ये वाला हो गया। इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब बताइए इन दोनों ट्राइंगल में क्या चीजें आपको गिवन है, यस ABC और DBC दोनों ही कैसे ट्राइंगल है, आइसोसेलिस ट्राइंगल है। तो ABC अगर आइसोसेलिस ट्राइंगल है, दोनों में ही कॉमन बेस क्या है, BC है। इट मीन्स AB और AC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। देन AB इज इक्वल टू AC, वाई, बिकॉज दिस इज गिवन, क्या गिवन है कि ट्राइंगल ABC कैसा है, आइसोसेलिस। आइसोसेलिस की डेफिनेशन यही होती है ना कि दो साइड के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तो पहली ये साइड इक्वल हो गई और इसकी ये वाली साइड, पहले ट्राइंगल का साइड AB, दूसरे ट्राइंगल का साइड AC भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक। नाउ द सेकंड थिंग इज, आप देखिए BDC भी कैसा ट्राइंगल था, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी आइसोसेलिस ट्राइंगल था, तो साइड BD भी किसके इक्वल होगा, साइड DC के इक्वल होगा, ठीक। नाउ BD किसके इक्वल होगा, BC के, ये भी क्या है, गिवन। क्यों गिवन है, क्योंकि ये भी क्या था, आइसोसेलिस ट्राइंगल था। अगर आपको और देखना है तो क्या था, ट्राइंगल ABC क्या था, इज एन
आइसोसेलेस ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल था? आइसोसेलेस ट्राइंगल था, इसलिए AB इज इक्वल टू क्या आया था? AC। और ये कहां से मिला? ट्राइंगल BCD क्या था? ये भी कैसा ट्राइंगल था? आइसोसेलेस ट्राइंगल था। तो यहां से आपको क्या मिल गया था? BD इज इक्वल टू BC। तो पहले ट्राइंगल का दूसरा साइड दूसरे ट्राइंगल के दूसरे साइड के क्या हो गया? इक्वल हो गया, ठीक। और दोनों ही ट्राइंगल में साइड AD क्या है? कॉमन है। दोनों ही ट्राइंगल में साइड AD क्या है? कॉमन। तो AD इज इक्वल टू AD, वाई? बिकॉज दिस इज कॉमन, क्योंकि ये क्या है आपका? कॉमन है। मीन्स पहले ट्राइंगल के तीन साइड कौन कौन से? AB, BD, AD। दूसरे ट्राइंगल के तीन साइड कौन कौन से साइड से? AC, CD और AD के क्या हो गए? इक्वल हो गए। इट मीन्स दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गए बताइए? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल? ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। बाय विच रूल? बाय FSS रूल। अभी आपको बताया था मैंने FSS रूल क्या होता है, ठीक। ये दोनों ही आपस में क्या होगा बताइए? क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय विच रूल? बाय FSS रूल, ठीक। FSS रूल, दोनों ट्राइंगल को हमने क्या प्रूफ कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट हमने शो कर दिया, फर्स्ट पार्ट हमने क्या कर दिया? शो कर दिया। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब सेकेंड पार्ट हमको क्या दिखाना है कि ट्राइंगल ABP ट्राइंगल ACP के कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए ट्राइंगल ABP, अब ये वाला ट्राइंगल पूरा ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल आपका क्या है? पूरा ट्राइंगल है। देखिए अब ये पूरा ट्राइंगल है, ये पूरा क्या है आपका? एक ट्राइंगल, ये दूसरा आपका ट्राइंगल है, ठीक। इन दोनों को आपस में क्या दिखाना है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। चलिए अब देखिए, जब ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा एंगल, एंगल विच एंगल? एंगल ABP एंड ACP। हाँ, ABP और ACP को हमें क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। चलिए हाँ, तो एंगल BAP इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? BAD आपको क्या मिल जाएगा? BAD इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? एंगल बताइए CAD बाय CPCT। CPCT से आपको ये मिल जाएगा। भाई अभी हमने दिखाया ना कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे मीन्स ये वाला जो एंगल है BAD, ठीक, ये इस वाले एंगल मतलब CAD के क्या होगा? इक्वल होगा। CAD के क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक। हम सेकेंड वाले प्रूफ की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये हमने कर लिया। अच्छा अब एंगल आप BAD लिखिए या BAP लिखिए, क्या कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बस हमने इसके साइड की आर्म लेंथ क्या कर दी है? इंक्रीज कर दी है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं BAP, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल, देखिए CAD, तो हम क्या लिख सकते हैं? CAP इज इक्वल टू एंगल CAP, ठीक। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, लेट अस अज्यूम इट वन। इसको हमने क्या जूम कर लिया? वन अज्यूम कर लिया, क्योंकि अभी हमें ये क्या करना है? यूज करना है फॉर द प्रूफ ऑफ सेकेंड, ठीक। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द सेकेंड प्रूफ। अब मैं इसे इरेज कर रही, मुझे जिसकी जरूरत है बस वही लिखा रहेगा, बाकी सब मैं हटा रही यहां से, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड प्रूफ। सेकेंड हमें क्या शो करना है? सेकेंड हमें शो करना है ट्राइंगल ABP ट्राइंगल ACP के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। सो लेट अस कंसीडर ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। दोनों ही ट्राइंगल को हमने क्या कर लिया? कंसिडर कर लिया। पहला ट्राइंगल कौन सा है? ABP। दूसरा कौन सा है? ACP। चलिए अब इसमें बताइए क्या क्या चीजें आपको इक्वल दिख रही हैं। तो सबसे पहले तो आप यही कहोगे, देयरफॉर बाय फर्स्ट पार्ट की कॉन्ग्रुएंसी से हमें ये मिल गया, एंगल BAP किसके इक्वल आ गया? एंगल CAP के इक्वल फ्रॉम वन।
अभी हमने पहला पार्ट जो कॉन्ग्रुएंसी यूज किया था वहीं से ये रिजल्ट निकाला था, तो इसी रिजल्ट को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यूज कर लिया। ठीक, नेक्स्ट थिंग आपकी क्या इक्वल है, देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या था, ए सी, क्योंकि ट्राइंगल आपका क्या था, आइसोसेलेस था। ठीक, नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी, वाई, क्योंकि ये क्या था आपको गिवन था कि ए बी सी क्या है आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक, अब जब ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो दो साइड इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो बताइए ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, तो आप कहोगे ए बी के ऑपोजिट एंगल है ये वाला, कौन सा एंगल, सी, चलिए नेमिंग करिए उसकी, एंगल ए सी, बी लिखिए या पी लिखिए कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपने आर्म लेंथ को क्या कर दिया, बस छोटा कर दिया, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक, नाउ ए सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये साइड ए सी है, ए सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, तो आप कहोगे एंगल बी, चलिए इसका नाम करिए, बताइए क्या होगा, ए बी सी। ठीक, वाई, बिकॉज बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी था, देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमने लास्ट क्लास में ये थ्योरम किया था कि जो दो साइड इक्वल होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, तो चलिए दोनों ट्राइंगल में हमको क्या मिल गया, हमने ये दिखाया कि पहले ट्राइंगल का एंगल ये दूसरे ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है। ठीक, फिर पहले ट्राइंगल का ये वाला साइड दूसरे ट्राइंगल के इस वाले साइड के इक्वल है, फिर पहले ट्राइंगल का ये वाला एंगल दूसरे ट्राइंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है, मीन्स पहले ट्राइंगल का एंगल साइड एंगल दूसरे ट्राइंगल के एंगल साइड एंगल के क्या आ गया, इक्वल आ गया। इट मीन्स ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी बाय विच रूल, यस एंगल साइड एंगल रूल, दिखाया ना एंगल साइड एंगल, क्योंकि साइड आपका कैसा था, इंक्लूडेड था, तो ये ट्राइंगल भी हमारा क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट, तो हमने ये भी कर लिया और हमने ये भी कर लिया। ठीक, चलिए इसको हटा देते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट, AP bisects angle A as well as angle D. AP क्या कर रहा है, एंगल A को भी bisect कर रहा है और एंगल D को भी bisect कर रहा है, ये हमको क्या करना है, शो करना है। अच्छा, ये तो हमने पहले ही पुट कर लिया था ना वन से कि एंगल BAP is equal to क्या है, एंगल CAP है। अब हम थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमने पहले ही लिखा था कि एंगल BAP क्या था, इज इक्वल टू एंगल CAP, याद करिए फ्रॉम इक्वेशन वन, हमने ये जब पहली वाली कॉन्ग्रुएंसी निकाली थी तभी हमने कहा था ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, अच्छा मैंने आपको पहले ही बताया था, सपोज दिस इज एन एंगल, ये कोई एंगल है और हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो दिए हुए एंगल को दो इक्वल हाफ में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, तो ये क्या कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर, क्या कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर कहलाती है, कहलाती है ना। तो अब इसमें देखिए एंगल बी ए पी इज इक्वल टू क्या है, एंगल सी ए पी है, एंगल बी ए पी मीन्स ये एंगल सी ए पी के इक्वल हमने पहले ही प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, जो ए पी लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो एंगल ए को क्या कर रही है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, मीन्स हमको यही तो प्रूफ करना था। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ए पी क्या कर रही है, ए पी बाइसेक्ट, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, AP किसको bisect कर रही है, एंगल A को bisect कर रही है। ठीक, फिर एंगल D को भी bisect कर रही है, हमको ये भी प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफिंग, देखिए एंगल D को bisect कर रही है, मींस हमको ये शो करना है कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगर हमने ऐसा शो कर दिया तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ये क्या कर रही है, इस एंगल को bisect कर रही है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला ट्राइंगल ये लेंगे, दूसरा ट्राइंगल ये लेंगे, दोनों को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सो हम क्या करने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, हमको शो करना है कि एपी जो है एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कब करेगी, जब ये लाइन सेगमेंट इस एंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनको इक्वल दिखाना है हमको, इनको इक्वल दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन दो ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, दोनों को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक,
अच्छा अभी हमने क्या शो किया था, अभी हमने शो किया था कि ट्राइंगल ए बी पी ट्राइंगल ए सी पी की क्या था, कॉन्ग्रुएंट था। ट्राइंगल ए बी पी ट्राइंगल ए सी पी की क्या था, कॉन्ग्रुएंट था। ठीक है, अभी हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। चलिए थर्ड वाले की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड का हमने आधा पार्ट कर दिया है ना। थर्ड देखिए, थर्ड वाला हमने कर दिया था। कंसीडर, कंसीडर कौन कौन सा ट्राइंगल हमको कंसीडर करना है, ट्राइंगल बीडीपी एंड ट्राइंगल सीडीपी। हमारा एम यही है ना कि इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या दिखा दे, कॉन्ग्रुएंट दिखा दे। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या चीजें पता है, पहले तो हमें ये बताइए, हमें क्या पता है कि बीडीसी क्या आपका है, आइसोसेलिस ट्राइंगल है। ट्राइंगल बीडीसी कैसा ट्राइंगल है आपका, आइसोसेलिस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल है तो ये दोनों साइड की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। ठीक, देन और हमको क्या पता है, पहले तो ट्राइंगल की लेंथ कौन कौन सी साइड सेम होगी बताइए, बीडी, बीडी इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, डीसी, क्योंकि ये आपको क्या है गिवन है। कैसे गिवन है भाई, अब तक याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बीडीसी आइसोसेलिस ट्राइंगल है, आइसोसेलिस ट्राइंगल के दो साइड सेम आपको दिए हुए हैं, यहां से हमने लिख दिया। ठीक है, सेकंड चीज आपने क्या निकाला, सेकंड हमने क्या देखा कि अगर साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो बीडी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, तो आपको होंगे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मतलब डी सी पी। तो एंगल डी सी पी इज इक्वल टू क्या आएगा, डीसी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, एंगल डी बी पी, एंगल डी बी पी, सिंस बी डी इज इक्वल टू डीसी, इसलिए आपको ये मिल गया। ठीक है, तो एक साइड इक्वल मिल गई, एक एंगल इक्वल मिल गया, प्लस एक और चीज चाहिए। अभी हमने क्या प्रूफ किया था, अभी हमने प्रूफ किया था कि ए बी पी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए बी पी किसके कॉन्ग्रुएंट था, ट्राइंगल ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट था, यहां मैं हटा रही हूं। ठीक है, हमने सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ किया था कि ट्राइंगल ए बी पी किसके कॉन्ग्रुएंट था, ट्राइंगल ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट था। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, जब ए बी पी ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बी पी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, सी पी। देखिए बी पी साइड किससे इक्वल होगी, सी पी साइड के, बाय सी पी सी पी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। नाउ बी पी इज इक्वल टू सी पी बाय वॉट, बाय सी पी सी टी, वाई, बिकॉज सिंस ट्राइंगल ए बी पी किसके कॉन्ग्रुएंट हमने शो किया था, ट्राइंगल ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट शो किया था। ठीक है, नाउ जब ये हो गया तो हमने क्या दिखाया, पहले ट्राइंगल का ये एंगल दूसरे ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है, पहले ट्राइंगल का साइड बी डी दूसरे ट्राइंगल के साइड डी सी के इक्वल है, पहले ट्राइंगल का एंगल ये दूसरे ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है, मीन एंगल साइड एंगल, नहीं सॉरी, ये एंगल तो हमको इक्वल शो करना था ना। हाँ, हमने क्या दिखाया, हमने कुछ और दिखाया था, हमने ये दिखाया कि पहले ट्राइंगल का साइड बी डी दूसरे ट्राइंगल के साइड डी सी के इक्वल है। फिर क्या दिखाया, पहले ट्राइंगल का एंगल बी डी पी मतलब ये वाला एंगल दूसरे ट्राइंगल के एंगल बी डी सी पी मतलब उस वाले एंगल के इक्वल है। फिर हमने क्या दिखाया कि बी पी इज इक्वल टू क्या है, सी सी है, मीन पहले ट्राइंगल का साइड एंगल साइड दूसरे ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। इट मीन्स ट्राइंगल डी बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी पी बाय विच रूल, बाय एंगल साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल। ठीक, तो जब कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी आ गया, कहां से, बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। अच्छा, तो हमने शो कर दिया कि ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये लाइन दिए हुए एंगल को दो इक्वल हाफ में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। इट मीन्स बी पी इज द एंगल बाइसेक्टर
और जब डीपी एंगल बाइसेक्टर है तो डीपी किसका पार्ट है, एपी का ही तो पार्ट है ना, इट मीन एपी बाइसेक्ट एंगल डी। एपी किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल डी को। एंगल ए को हमने पहले ही शो कर दिया था, एंगल डी को भी हमने शो कर दिया, मतलब थर्ड पार्ट भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक, नाउ द लास्ट पार्ट, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी क्या है, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझते हो आप लोग, इतना पार्ट आपका हो गया। चलिए इस पार्ट आते हैं, पहले देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है आपका ये, चलिए इसको ही ले लेते हैं बीसी, और इस पर एक दूसरा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए ये है ए, ये है पी। हम कब कहेंगे कि एपी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कब, जब एपी और बीसी के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, और बीपी इज इक्वल टू क्या हो जाए, पीसी। बीपी इज इक्वल टू क्या हो जाए, पीसी। मतलब वो लाइन सेगमेंट जो दिए हुए लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है और उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इस वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट बीसी। तो यही हमको क्या करना है, शो करना है। ठीक, सो फोर्थ वाले पार्ट में हमको क्या शो करना है, एपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। अच्छा, ये तो हमने पहले ही प्रूफ कर लिया था कि बीपी इज इक्वल टू क्या है, सीपी, मतलब बाइसेक्ट तो कर रही है, हमने पहले ही दिखा दिया था। तो सिंस ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रूइंग टू ट्राइंगल ए सी पी, सो दिस इंप्लाइज बीपी इज इक्वल टू सीपी बाय सीपी सीटी। ये हमने पहले ही प्रूफ कर लिया था। ठीक है, अब हमें सिर्फ प्रूफ क्या करना है कि ये क्या है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। अभी अभी हमने एक चीज और प्रूफ की थी, क्या प्रूफ किया था, ऑल्सो क्या प्रूफ किया था कि ट्राइंगल बी डी पी किसके कॉन्ग्रूएंट था, ट्राइंगल सी डी पी के कॉन्ग्रूएंट था, ये हमने शो किया था। ठीक, तो दिस इंप्लाइज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल पी के क्या होगा, इक्वल होगा, मीन्स एंगल बी पी डी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी पी डी बाय सी पी सी टी। आ गया, अभी हमने शो किया था ना कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रूएंट है। ये एंगल ऑलरेडी आपस में इक्वल था, इनको इक्वल दिखा दिया था, तो बचा हुआ एंगल यही है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और ये लाइन इस पे फॉल कर रही है। कैसे फॉल कर रही है, मैंने क्या कहा था, अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई दूसरी वे फॉल करती है तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो ऑल्सो एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक, नाउ फ्रॉम दिस अगर इसको हम टू मान लेते हैं, तो फ्रॉम सेकेंड पुट कर दीजिए, एंगल बी पी डी प्लस सी पी डी किसके इक्वल है, एंगल बी पी डी के, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही क्वांटिटी को दो बार ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी पी डी, ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां से क्या मिल गया, एंगल बी पी डी कितना मिल गया आपको, 90 डिग्री। क्या मिल गया, 90 डिग्री। यही तो हमको शो करना था ना, ये हमने पहले ही शो कर दिया था, क्या कि बीपी इज इक्वल टू क्या है, सीपी है। और अभी हमने क्या शो कर दिया कि एंगल बीपीडी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, मतलब इन दोनों की लेंथ सेम है और ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो फ्रॉम टू एंड थ्री क्या हमने शो कर दिया, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, बीसी। ये तो हमको शो करना था ना। ठीक,
इसमें हमने फर्स्ट वाले में SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज किया था, और एक को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद दूसरे के लिए हमें हेल्पलाइन क्या हो रही थी, मिलती जा रही थी। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ABC। फिगर आपको इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, आपको फिगर खुद ही ड्रॉ करना है। ठीक है, तो BE और CF क्या है, दो इक्वल एल्टीट्यूड है ट्राइंगल ABC के। चलिए ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल ABC ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज ट्राइंगल A, B एंड C। ठीक, फिर क्या कह रहा है, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन बी से AC पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वही आपको क्या देता है, एल्टीट्यूड उसकी हाइट देता है। ठीक है, तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सपोज दिस, तो ये परपेंडिकुलर होगा तभी एल्टीट्यूड होगा। ठीक, कौन सा परपेंडिकुलर है, BE, ये क्या होगा, E होगा। ठीक, एंड CF, फिर सी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये भी आपका क्या है, परपेंडिकुलर, किस पे, AB पे, और ये क्या है, F। ठीक, ये है फिगर, ABC एक ट्राइंगल है, BE भी एल्टीट्यूड है और CF भी क्या है, एल्टीट्यूड। जब भी एल्टीट्यूड कहना है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं इस लाइन सेगमेंट से, इस पॉइंट का। ठीक है, सो गिवन क्या है कि BE और CF क्या है, इक्वल है, एंड यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। हमें क्या दिखाना है, ABC क्या है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसके दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ट्राइंगल ABC में हम दिखा दें कि कोई भी दो साइड इक्वल है, तो ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। ठीक, तो इसके लिए जो हमें दिया है हम उसी को यूज करेंगे। तो लेट अस कंसीडर, पहला ट्राइंगल हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला, देखिए मैं डार्क कर दे रही हूँ। पहला ट्राइंगल हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, BFC। पहला ट्राइंगल हम ये वाला कंसिडर करेंगे। ठीक, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करेंगे, BEC। ठीक, तो लेट अस कंसीडर ट्राइंगल, सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CED। ये दो ट्राइंगल हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। अब देखिए RHS रूल को यूज करना है, तो आपको पता है RHS रूल क्या होता था कॉन्ग्रुएंसी का, कि दो राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपके पास हो, तो दोनों के हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो जाता है, तो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं, राइट एंगल। ठीक, अब हम कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हैं। चलिए, क्या दी मैंने आपको, EF, BE और CF क्या है, इक्वल है, भाई एल्टीट्यूड है ना, तो एल्टीट्यूड क्या दिए हैं, इक्वल है। तो पहला एल्टीट्यूड कौन सा है, BFC। BFC में कौन सा एल्टीट्यूड है, देखिए BFC एल्टीट्यूड क्या है, FC। तो FC इज इक्वल टू, दूसरा कौन सा है, CEB। CEB कौन सा एल्टीट्यूड है, तो आप क्या कहोगे, BE। ये क्या है आपको, इक्वल है, गिवन, देख लो ना, BE एंड CF आर इक्वल। ठीक, BE एंड CF लिखो या FC लिखो, चलो CF ही लिख दे रही हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो रहा है। चलो ठीक, FC भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है, तो ये तो थे ये आपका इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला जो हाइपोटेनस होता है ना, और देखिए दोनों ही ट्राइंगल में ये वाली साइड क्या है, कॉमन है, मीन BFC means BC is equal to CEB, this is equal to also CB, ये क्या है आपका, कॉमन, ये आपका क्या है, कॉमन, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक, और एक एंगल भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, BFC में कौन सा एंगल है, एंगल BFC, this is equal to, उसमें कौन सा है, एंगल CEB, each 90 डिग्री, मिल गया ना, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, दोनों ही ट्राइंगल के हाइपोटेनस क्या है, इक्वल है, कोई भी एक साइड इक्वल हो तो एक साइड मिल गई, कौन सी मिल गई, इसमें मिल गई CF, इसमें कौन सी मिल गई, BE, दोनों साइड इक्वल हो गई, और एक एंगल 90 डिग्री का है ही, इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल BFC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल CEB के।
सीईबी के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, हो गया ना। बीसी सीबी के इक्वल है, एफसी ईबी के इक्वल है, ठीक, और एंगल एफ एंगल ई के इक्वल है, तो दोनों ही ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय विच रूल, बाय आर एच एस रूल, बाय आर एच एस, ठीक। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो दिस इंप्लाइज और क्या इक्वल हो जाएगा, कौन क्या क्या इक्वल होगा, देखिए फर्स्ट वाला ट्राइंगल ये था और सेकेंड वाला ट्राइंगल क्या था आपका, ये था, क्या इक्वल हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो बी एफ सी में कौन सा एंगल है, एंगल एफ बी सी किसके इक्वल आ गया बताइए, एंगल एंगल ई सी बी के इक्वल आ गया, बाय व्हाट, बाय सी पी सी टी, भाई यही दो ट्राइंगल तो कंसीडर किया ना, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या आ गए आपके, इक्वल आ गए। बाय विच रूल, बाय सी पी सी टी, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, ठीक। अब देखिए एफ बी सी मीन्स ये एंगल, इस एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये भी थ्योरम पढ़ा था कि दो एंगल इक्वल हो किसी ट्राइंगल में तो उनके ऑपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सा है, आप क्या कहोगे, ए सी। सो दिस विल गिव यू ए सी और ई सी बी मीन्स ये एंगल, इसके ऑपोजिट साइड कौन सा है, ए बी, ए बी आ गया इक्वल। मतलब ट्राइंगल ए बी सी में हमने क्या शो कर दिया कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब दो साइड हमने क्या शो कर दिया, इक्वल शो कर दिया। इट मीन ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलिस ट्राइंगल, यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन किस पे देखा था, एस 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 कॉन्वेंस रूल पे देखा था, दूसरा क्वेश्चन हमने किस पे देखा, आर एस एस कॉन्वेंस रूल पे देखा, ठीक है। सो स्टूडेंट दैट इज ऑल ऑफ टुडे, आज हमने क्या क्या सीखा, हमने एस 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 कॉन्वेंस रूल क्या होता है ये सीखा, आर एस एस कॉन्वेंस रूल क्या होता है ये सीखा, इन पे बेस्ड हमने क्वेश्चन देखे। कुछ और क्वेश्चन बुक में आपके अभी बच्चे हुए, उन्हें ट्राई करिएगा खुद से सॉल्व करने की, ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। नाउ वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर सिक्स, सॉरी चैप्टर सेवन, ट्राइंगल्स जो चैप्टर है आपका, वो हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल मीट अगेन विथ सम न्यू चैप्टर, टिल देन प्लीज रिवाइज ऑल दीज थिंग्स एंड ट्राई टू सॉल्व द लेफ्ट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।